बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वेलकम टू इंग्लिश टू लेक्चर फोर इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किए थे इसमें मैं जस्ट रिव्यू करना चाहूँगा एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ अडॉप्टिंग टू योर ऑडियंस एंड लिस्ट थ्री वेज ऑफ डूइंग सो एक ये टॉपिक हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था और फिर हमने पढ़ा था एक्सप्लेन वाई एस्टेब्लिशिंग क्रेडिबिलिटी इज वाइटल टू द सक्सेस ऑफ योर कम्युनिकेशन एफर्ट्स और किस तरह से आप ये क्रेडिबिलिटी अचीव कर सकते हैं डिस्कस फोर वेज ऑफ अचीविंग बिजनेस लाइक टोन विद अ क्लियर कंसाइज स्टाइल बिजनेस लाइक टोन किस तरह से आपके राइटिंग में आ सकती है और आज हम पढ़ेंगे जी Uh, briefly describe how to select words that are not only correct but also effective or phir uh, our topic hoga explain how sent sentence style affect emphasis within your message and list five ways to develop paragraph that are unified and coherent डिटेल में डिस्कशन करेंगे हम हाँ इन दो टॉपिक्स के बारे में और ओवरव्यू लेंगे थर्ड टॉपिक का और इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में उसके ऊपर भी डिटेल डिस्कशन होगी लेट्स गेट स्टार्टेड विद कंपोजिंग मैसेज अब मैसेज कंपोजिंग के ऊपर हम आ गए हैं और uh, ये जो अभी मैंने आपको बताया है कि डिस्क्राइब हाउ टू सेलेक्ट वर्ड्स ये कंपोजिंग मैसेज का हिस्सा है हमने फर्स्ट स्टेज जो प्लानिंग थी उसको डिस्कस किया राइटिंग में हमने uh, दो चीज़ें थी एक था जी ऑडियंस uh, के बारे में अंडरस्टैंड करना वो हमने लास्ट uh, लेक्चर में पढ़ा था अडेप्टिंग टू द ऑडियंस और आज हम पढ़ेंगे कंपोजिंग द मैसेज के मैसेज हमने कंपोज करना है इसमें क्वेश्चन हमारा बनता है डिस्क्राइब हाउ टू सेलेक्ट वर्ड्स दैट आर नॉट ओनली करेक्ट बट ऑल्सो इफेक्टिव करेक्ट और इफ़ेक्टिवनेस करेक्टनेस और इफेक्टिवनेस के ऊपर हमारी डिस्कशन होगी मैसेज जब भी हम कंपोज करते हैं तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंसेज और कंस्ट्रक्शन ऑफ पैराग्राफ ये तीन टॉपिक्स हैं जो इस पूरे कम्पोजिंग uh, में मैटर करते हैं वर्ड्स की सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और फिर वर्ड्स के बाद जो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि आपकी सेंटेंस कंस्ट्रक्शन किस तरह की है किस तरह की वैरायटी आप सेंटेंसेस की इस्तेमाल करते हैं कौन कौन सी वैरायटी मौजूद है इस पर भी बात करेंगे और पैराग्राफ के डिफरेंट एलिमेंट्स और किस तरह से इफ़ेक्टिव पैराग्राफ डेवलप किए जा सकते इसको हमने पढ़ना है कंपोजिंग द मैसेज में वर्ड चॉइस के ऊपर हम सबसे पहले बात करेंगे कि वर्ड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट और जब आपने वर्ड चूज़ करने हैं राइटिंग के लिए बिजनेस राइटिंग के लिए तो चार चीज़ों के ऊपर आपने फोकस करना है वर्ड्स जो आप चूज़ करें वो वर्ड करेक्ट होने चाहिए इफ़ेक्टिव होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट के दरमियान हमने सिलेक्शन करनी है कि कहाँ पे आपने एब्स्ट्रैक्ट वर्ड इस्तेमाल करने, हैं कहाँ पे कंक्रीट वर्ड इस्तेमाल करने हैं एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स या एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या है कंक्रीट नाउन क्या है इनके ऊपर हमारी डिस्कशन होगी और फिर हम देखेंगे कि किसको ज़्यादा इस्तेमाल करना हमारे लिए बेनिफिशियल है ये हम डिस्कशन में इन चीज़ों को लेके आएंगे लेकिन जब हम चूजिंग स्ट्रॉन्ग वर्ड्स के ऊपर बात कर रहे हैं तो ये हमने चार पॉइंट्स को डिस्कस करना है सबसे पहले करेक्ट वर्ड चूज करना करेक्टनेस करेक्टनेस क्या है जब हम करेक्टनेस की बात करते हैं तो कम्युनिकेशन में जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है करेक्टनेस कि जब आप मैसेज लिख रहे हैं अपने क्लाइंट के लिए मैसेज लिख रहे हैं या किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैसेज लिख रहे हैं तो मैसेज का करेक्ट होना इम्पोर्टेंट है करेक्शन से क्या मुराद है कि मीनिंग्स करेक्ट होने चाहिए यानी आप वर्ड सही इस्तेमाल करें जो मीनिंग आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो एग्जैक्ट वर्ड आप इस्तेमाल करें ग्रामेटिकल मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए स्पेलिंग्स की मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए इन तीन एंगल्स पे हमने ख्याल रखना है जब भी हम वर्ड्स इस्तेमाल कर रहे हैं अब ये वर्ड की करेक्शन क्यों इम्पॉर्टेंट है कि आपके वर्ड करेक्ट अगर नहीं होते या उसमें करेक्टनेस नहीं होती तो उसका क्या नुकसान है और अगर करेक्ट होते हैं तो उसका क्या फ़ायदा है देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बिजनेस में जो चीज़ है वो हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस की थी दैट इज़ क्रेडिबिलिटी आप अगर बिजनेस मैसेज लिख रहे हैं और उसमें जो वर्ड्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं वो वर्ड्स गलत हैं मीनिंग के केतबार से वो वर्ड अगर प्रॉपर नहीं बनता था ग्रामेटिकली वो वर्ड नहीं आता था या स्पेलिंग मिस्टेक है तो क्या होगा आपकी क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली इफेक्ट होगी क्योंकि जो रीडर आपके मैसेज को पढ़ रहा है उसको ये इम्प्रेशन मिलेगा कि यार इस बंदे को ये नहीं पता ये नहीं सेंस कि ये वर्ड यहाँ पे इस्तेमाल होना है कि नहीं ये ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर गलत है या सही है या स्पेलिंग का नहीं पता तो इससे आपका इम्प्रेशन ख़राब होता है और आपकी क्रेडिबिलिटी जो है वो इफ़ेक्ट होती है और जब क्रेडिबिलिटी इफेक्ट होती है तो डेफिनेटली आपका ट्रस्ट डेफिसिट डेवलप होता है यानी ट्रस्ट आपका जो जो पार्टी है जो सेकंड पार्टी जिसके साथ आप कम्युनिकेट कर रहे हैं वो आप पे ट्रस्ट नहीं करेगी और ये समझा जाएगा कि आप प्रोफेशनल नहीं हैं लेकिन अगर आप करेक्टनेस लाते हैं अपने मैसेज में तो ये प्रोफेशनलिज्म को शो करती है ये आपके ट्रस्ट को इंक्रीज करेगी आपकी क्रेडिबिलिटी को इंक्रीज करेगी तो ओवरऑल आपका जो इम्प्रेशन है वो बेहतर होगा इसलिए आ, हम कभी भी जब हम कम्युनिकेट कर रहे हैं इन बिज़नेस तो वी कैन टेक थिंग्स फॉर ग्रांटेड और हम कैजुअली इन चीज़ों को नहीं ले सकते क्योंकि आपसे आपके मुंह से निकली हुई कोई बात आपके पेन से लिखा हुआ कोई लफ्ज़ आपके इम्प्रेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है और उसको बना भी सकता है इसलिए बहुत हमें केयर की ज़रूरत है कि जो वर्ड्स इस्तेमाल करें वी हैव टू मेक श्योर कि दीज वर्ड्स शुड बी करेक्ट और देयर शुड बी करेक्टनेस अब वर्ड्स की अगर हम बात करें तो इंग्लिश लैंग्वेज में जब हम बात करते हैं तो इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी रिच लैंग्वेज वी हैव लॉट ऑफ वर्ड्स फॉर कन्वेइंग वन मीनिंग एक ही मतलब अगर आपने कम्युनिकेट करना है तो उसके उसके लिए आपके पास बेशुमार वर्ड्स हैं सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स है लेकिन याद रखिए कि एक असूल है इंग्लिश लैंग्वेज का कि नो टू वर्ड्स आर एग्जैक्टली अलाइक दो कोई भी अल्फाज हंड्रेड परसेंट एक जैसे नहीं होते उनके शेड्स में फ़र्क होता है जैसे कि शेड्स ऑफ अपसेट है मैड है एंग्री है फ्यूरियस है अब ये देखिए अपसेट होना वो कोई कहता है जी मैं अपसेट हूँ तो इट मीन आप समझते हैं कि वो डिस्टर्ब है लेकिन मैड की इंटेंसिटी उससे ज़्यादा है एंग्री एक्सटें इंटेंसिटी बढ़ गई फ्यूरियस इंटेंसिटी बढ़ गई तो इन चारों का अगर जनरल मतलब आप लेते हैं तो जनरल मीनिंग इज द सेम लेकिन अगर आप एग्जैक्ट की बात करें तो एग्जैक्ट मतलब नहीं है अपसेट होने में और फ्यूरियस होने में फ़र्क है मैड होने में और एंग्री होने में फ़र्क है जब आपको ये पता चल जाए कि कौन सी सिचुएशन को कौन से वर्ड्स के साथ अच्छा एक्सप्लेन किया जा सकता है तब आपको चीज़ें समझ आ जाती हैं एक और एग्जाम्पल लीजिए शेड्स ऑफ वर्ड के अतबार से इसमें इसको बेशक जैसे डाउट है लेस इंटेंस वरी उससे ज़्यादा है और डिस् डिस्ट्रेस्ड मोर इंटेंस अब देखिए ये वर्ड डाउट वर्ड इस्तेमाल करना वरी इस्तेमाल करना और डिस्ट्रेस वर्ड इस्तेमाल करना इन दोनों के जनरल मीनिंग तो सेम है लेकिन इन में फ़र्क है तो आप इसमें जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस राइटर होते जाएंगे आपको एग्जैक्ट वर्ड्स का पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल करना है इसमें जी एक छोटी सी एक्सरसाइज है इसको जरा आप देख लीजिएगा अरेंज दीज वर्ड्स इन द द पेंशिप ब्लो फ्रंट फ्रॉम लीस्ट इंटेंस ऑन द लेफ्ट टू द मोस्ट इंटेंस ऑन द राइट जैसे नेसेसरी अर्जेंट इंपॉर्टेंट कोई चीज़ अगर जी नेसेसरी है इस समय इंटेंसिटी कम है अर्जेंट इम्पॉर्टेंट उससे और अर्जेंट सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी है इसी तरह इसमें भी अगर आप देखें तो ये तीन वर्ड्स जो बोले गए हैं ये तीनों वर्ड्स इनके जनरल मीनिंग तो सेम है जो नेसेसरी है वो इम्पॉर्टेंट है वो अर्जेंट है इनके जनरल मीनिंग सेम है लेकिन इंटेंसिटी शेड्स का फर्क है जिस जैसे ये लाइट है ये उससे गहरा है ये उससे गहरा है ये लाइट है जैसे क्रैक ब्रेक शटर अब शटर स्ट्रॉन्ग वर्ड है स्ट्रॉन्ग वर्ड है जिसी तरह हम देख सकते हैं सॉरी uh... जी इसी तरह सरप्राइज एस्टॉनिश शॉक्ड सरप्राइज कम इंटेंसिटी है इसमें एस्ट्रॉनिस्ट उससे ज़्यादा ज़रा ज़ोरदार वर्ड है शॉफ्ट बहुत ही ज़ोरदार वर्ड है तो हमें जो अल्फाज जब हमने इस्तेमाल करने हैं तो हमें उनके शेप के बारे में पता होना चाहिए और जब विदेफर आपको पता नहीं का आता आहिस्ता आपको कौन से वर्ड कहाँ पे इस्तेमाल होना चाहिए तो आप चीज़ों को इस तरह से अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा वर्ड इस्तेमाल होगा इसकी इंटेंसिटी कम है इसकी ज़्यादा फिर इसकी ज़्यादा फिर इससे इसकी कम इसकी ज़्यादा इसकी ज़्यादा तो जहाँ पे स्ट्रेंथ आपने देनी है जहाँ पे जोर देना है वहाँ पे नेसेसरी की बजाय अर्जेंट का वर्ड इस्तेमाल कीजिए जहाँ पे आपने ज़ोर देना है वहाँ पे क्रैक की बजाय शटर का वर्ड इस्तेमाल करें सरप्राइज़ की बजाय शॉर्ड का वर्ड इस्तेमाल करें लेकिन जहाँ पे शॉकड नहीं है तो फिर सरप्राइज़ भी इस्तेमाल किया जा सकता है ये डिपेंड करता है कि आप वर्ड्स को अंडरस्टैंड किस तरह से करते हैं देखिए जैसे मैंने कहा कि नो टू वर्ड्स आर एग्जैक्टली अलाइक बेशक इंपॉर्टेंट और नेसेसरी का मतलब एक है लेकिन इनमें फ़र्क है जो इम्पॉर्टेंट है वो नेसेसरी नहीं है इसके शेड में जो है वो फ़र्क है और इस शेड को विद द टाइम आप अंडरस्टैंड uh, करेंगे करेक्टनेस के हवाले से uh, बात करें जैसे कुरनेस uh, इम्पोर्टेंट uh, है लेकिन समटाइम आ, ये लोग सेक्रीफाइस भी इसको करते हैं जैसे वर्ड है जी डेटा अब डेटा का जो सिंगुलर है वो है डेटम लेकिन आमतौर पे क्या होता है लोग सिंगुलर में भी डेटा ही इस्तेमाल कर जाते हैं जैसे अब इसमें दूसरी एग्जांपल देखिए ही इज़ स्ट्रोंगर देन मी अब आम रूटीन में हमें ये वर्ड मिलते हैं लेकिन ये इनकरेक्ट है होना चाहिए ही इज स्ट्रोंगर देन आई ये देन है दैट की बजाय देन है देन आय ही इज सीनियर देन आई अब ये इनकोरेक्ट हो गया ही सीनियर टू मी ये करेक्ट है तो ग्रामेटिकल भी छोटी छोटी चीजें आपको जहन में रखनी है जब आप लिख रहे हो क्योंकि ये चीजें भी बड़ी मैटर करती हैं उसके बाद दूसरी बात करेक्टनेस के बाद है जी कम्युनिकेट इफेक्टिवली आपने इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना है आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव होनी चाहिए और उसके लिए आपने क्या करना है सिलेक्ट पावरफुल वर्ड्स पावरफुल वर्ड्स सेलेक्ट करें जैसे अभी मैंने वर्ड के शेड्स बताए उसमें इंटेंसिटी का मतलब पावर है कि कुछ वर्ड्स होते हैं जो लेस पावरफुल होते हैं कुछ वर्ड्स होते हैं जो ज़्यादा पावरफुल होते हैं तो अगर आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो उसमें क्या है कि आपने पावरफुल वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं फेमीलियर वर्ड्स इस्तेमाल करने हैं अवॉयड क्लशेज़ एंड वर्ड्स एंड यूज़ जार्गन्स केयरफुली अब ये क्लेशज़ क्या होते हैं बज वर्ड्स क्या होते हैं जार्गन्स क्या हैं इनको भी हम वन बाई वन एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं जी के सिलेक्ट पावरफुल वर्ड्स अब जैसे ये वर्ड है रोबस्ट आपकी बुक में ये दी है पैराग्राफ दिया हुआ है उसमें से भी आप पढ़ सकते हैं लेकिन वहाँ से मैंने वर्ड लिया है अब रोबस्ट वर्ड जो है ये इसके आम मीनिंग होते स्ट्रोंग आप स्ट्रॉन्ग का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन अगर हम स्ट्रोंग कहेंगे और रोबस्ट कहेंगे तो रोबस्ट की अगर हम बात करते हैं रॉबर्स गोज़ बियॉन्ड सिंपली स्ट्रॉन्ग टू सजेस्ट मोर रेजीलियंट एंड कम्प्रीहेंसिव एज वेल यानी ज़्यादा रजीलियंट जो ज़्यादा रिजिस्ट करने वाली जो चीज़ है जो ज़्यादा स्ट्रोंग है ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव है उस चीज़ के लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं रॉबर्स अब जो हाँ पर रॉबर्स वर्ड इस्तेमाल किया उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है खाली स्ट्रॉन्ग कह देना इतना ज़्यादा इफेक्टिव वर्ड नहीं है जिस तरह इम्पॉर्टेंट का वर्ड के लिए सिग्निफिकेंट भी इस्तेमाल किया जाता है लेकिन सिग्निफिकेंट इज़ मोर देन जस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आप वर्ड करते हैं इस्तेमाल के इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अब ये ये सिंपल वर्ड है लेकिन कह देते इट इज़ वेरी सिग्निफिकेंट अब सिग्निफिकेंट का मतलब कि ये ज़्यादा जोर आवर या पावरफुल वर्ड्स है जिस तरह रिमूव है अब रिमूव क्या है सिंपल वर्ड है लेकिन क्रेव आउट मुश्किल भी है लेकिन ये जब आप रिपोर्ट्स में राइटिंग में लिखेंगे तो क्रेवाउट एक ज्यादा स्ट्रेंथ को शो करता है क्रेवाउट इज मच स्ट्रोंगर वर्ड रिमूव तो ये हमें देखा कि हमने इस तरह से पावरफुल वर्ड्स का इस्तेमाल करना है बैलेंस एब्स्ट्रैक्ट एंड कंक्रीट वर्ड एब्स्ट्रैक्ट वर्ड्स क्या होते हैं कंक्रीट वर्ड्स क्या होते हैं बेसिकली ये नाउन्स होते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन के बारे में आपने इंग्लिश वन में बड़ी डिटेल से पढ़ा है इसलिए मैं आपको बहुत ज़्यादा इस पर डिस्कशन नहीं करूँगा जस्ट ओवरव्यू होगा जी एब्सट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं कि एक्सप्रेस अ कॉन्सेप्ट क्वालिटी और कैरेक्टरिस्टिक्स ये ए होना चाहिए टाइपिंग मिस्टेक है एक्सप्रेस अ कॉन्सेप्ट क्वालिटी और कैरेक्ट्रिस्टिक्स जैसे ब्यूटी है स्ट्रेंथ है ये एब्स्ट्रैक्ट हैं कंक्रीट नाउन क्या होता है जी नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन टच एंड फील जैसे चेयर है टेबल है हॉर्स है ये क्या है ये कंक्रीट नाउन है अब नाउन तो कहीं पे आपको एब्स्ट्रैक्ट भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे कहीं पे कंक्रीट भी इस्तेमाल करने पड़ेंगे अब डेफिनेटली जब हम एब्स्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो वो दैट इज़ नेम ऑफ एन आइडिया और उसको uh, समझना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन जब कंक्रीट वर्ड्स होते हैं तो हमें ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाते हैं क्योंकि उनको हमने देखा होता है उसको उनको हमने फील किया होता है uh, कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी में वो इन्वॉल्व होते हैं लेकिन जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं इट इज़ ऑल अबाउट द आइडिया इसलिए राइटिंग में एब्स्ट्रैक्शन टेंस टू कॉज मोर ट्रबल फॉर राइटर एंड रीडर्स कंक्रीट वर्ड्स के जो एब्सट्रैक्शन है यानी जब एब्सट्रैक्ट वर्ड इस्तेमाल करते हैं तो ये राइटर के लिए भी काफ़ी प्रॉब्लम होती है और रीडर्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है तो कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा कंक्रीट नाउनस का इस्तेमाल करें एब्स्रैक्ट नाउन कम इस्तेमाल करें आपकी राइटिंग ज़्यादा अफक्टिव होगी फाइंड वर्ड्स दैट कम्यूनिकेट वेल ऐसे अल्फाज आपने इस्तेमाल करने हैं जो सही ज़्यादा कम्युनिकेट करते हैं जैसे चूज़ स्ट्रांग एंड प्रिसाइज वर्ड्स जैसे अभी पावरफुल वर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया यूज़ फेमिलियर वर्ड्स एवॉइड क्लशज एंड यूज़ बज़ वर्ड्स केयरफुली यूज़ जार्गन केयरफुली अब हम देखते हैं पावरफुल और वीक वर्ड्स की और एग्जाम्पल जैसे इनक्रीज़ एक वीक वर्ड है आ इसके स्ट्रॉगर वर्ड्स क्या एक्सेलरेट एम्पलीफाई ऑगमेंट एस्केलेट मैग्नीफाई एक्सटेंड एक्सपेंड तो जब आप सिंपल अपनी राइटिंग में इंक्रीज का वर्ड इस्तेमाल करेंगे तो वो एक सिंपल लैंग्वेज होगी लेकिन जब आपने इनमें से कोई अल्फाज इस्तेमाल किया तो वो ज़्यादा पावरफुल वर्ड होगा और आपकी जो राइटिंग ज़्यादा इंप्रेसिव होगी जिस तरह सिंपल वर्ड है जी डिक्रीज़ हर बंदा अंडरस्टैंड करता है डिक्रीज़ का क्या मतलब है लेकिन पावरफुल वर्ड आपके पास ऑप्शन है श्रिंक स्लैकन कट बैक ड्विंडल कर्ब ये वर्ड्स ऐसे हैं कि जो स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं बैड के लिए स्ट्रॉन्ग वर्ड्स क्या है जी सबस्टैंडर्ड इन्फीरियर वर्थलेस डेफिशेंट फ्लॉड तो ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं जब आप बिज़नेस कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं बिजनेस राइटिंग की बात कर रहे हैं तो आपके लिए इन uh, जो सिंपल वर्ड्स के लिए स्ट्रॉगर वर्ड की वोकेबलरी आपको याद होनी चाहिए और आप अपनी राइटिंग में उसको इस्तेमाल करें नेक्स्ट है जी यूज़ फेमीलियर वर्ड्स अब जैसे मैं शुरू से कह रहा हूँ कि इंग्लिश लैंग्वेज इज़ वेरी रिच लैंग्वेज इसमें वर्ड्स हैं एक अल्फाज़ एक बात को करने के लिए आपके पास बेशुम वर्ड्स हैं जैसे अनफेमिलियर जो ज़्यादा लोगों को नहीं पता होते फेमिलियर जो आम फहम वर्ड्स होते हैं जिनको आम बंदा अंडरस्टैंड करता है बिज़नेस में एक असूल जो है वह आपने याद रखना है कि बिज़नेस में नो no डाउट पावरफुल वर्ड जब आप इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने आइडियाज़ को बेहतर तरीके से बयान कर सकते हैं लेकिन खाम खाम मुश्किल अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर लें हैं जैसे असर्टेन का वर्ड जो है वो आम बंदे आम फहम नहीं है आम बंदा नहीं उसको यूज़ करता लर्न फाइंड आउट ये फेमिलियर वर्ड्स हैं आप कोशिश करें असर्टेन की बजाय ये वर्ड्स इस्तेमाल करें कॉन्ज्यूमेट मुश्किल है और अनफेमिलियर वर्ड है वर्ड अच्छा है लेकिन अनफेमिलियर है लेकिन जिस बंदे के लिए, लिए लिखे हो सकता है उसको ना समझ आए इसके लिए क्लोज़ ब्रिंग अबाउट ये ऐसे अल्फाज हैं जो फेमीलियर हैं जो लोग आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं इसी तरह परसू मुश्किल थोड़ा अनफेमिलियर वर्ड है ज़्यादा लोगों को नहीं पता स्टडी और रीड के बारे में हम लोग जानते हैं सरकमवेंट अनफेमिलियर है अवॉइड फेमिलियर वर्ड है लोग आम तौर पे इस्तेमाल करते हैं तो बिज़नेस राइटिंग में आपने इस चीज़ को यूज़ करना है कि फेमिलियर वर्ड्स आम फहम आपने इस्तेमाल करने हैं क्लेशज़ अब क्या होती हैं जी क्लशज़ और बाजवर्ड्स क्या होते हैं कि बाज़वर्ड्स ये होते हैं जी कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस टेक्नोलॉजी आती है नए नए अल्फाज आते हैं और ये जो अल्फाज जैसे जैसे नए नए अल्फाज आते हैं ओवर यूज़ हो जाते हैं और जो ओवर यूज़ वर्ड्स होते हैं वो क्लशिज़ कहलाते हैं यानी बाजवर्ड्स टेक्नोलॉजी के साथ साथ नए अल्फाज आते हैं और वो नए अल्फाज जब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो क्लिश उनको कहते हैं और इसमें फिर क्लशेज़ जो होती हैं उनका इस्तेमाल आमतौर पे नेगेटिव समझा जाता है जैसे एन अपल बैटल ये एक वर्ड है जो चैलेंज के लिए वर्ड इस्तेमाल किया जाता है लेकिन ये चूँकि इतना ओवर यूज़ हुआ कि अब ये क्लशज़ में हो गया है कन्वर्ट हो गया है इसलिए इसको इस्तेमाल करने के बजाय सिंपल वर्ड है प्लेन लैंग्वेज है चैलेंज राइट ऑन द वॉल इसकी जगह पे प्रोडक्शन का वर्ड इसका मतलब प्रोडिक्शन है टेक बाय स्टॉर्म अटैक ह्यूमन कैपिटल पीपल को ह्यूमन कैपिटल कहते हैं कॉस्ट एंड आर्म एंड एंड अ लेंथ एक्सपेंसिव अब ये देखिए ये वर्ड हैं आमतौर पे फ्रेजेस इनको आप कह सकते हैं लेकिन चूंकि बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली लोगों ने इनका इस्तेमाल किया अब आमतौर पे जो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव वर्ड्स यूज़ हो जाते हैं वो क्लिशेस उनको हम कहते हैं ओवर यूज जो वर्ड हो जाते हैं तो बिज़नेस में आमतौर पे आप उनको हम अच्छा नहीं समझते कि आप उनको इस्तेमाल करें इसलिए प्लेन लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं जितनी ज़्यादा लैंग्वेज आपकी प्लेन होगी उतना ज़्यादा लोग उसको बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर सकेंगे चूज़ द टाइप ऑफ सेंटेंसेस वर्ड्स का हमारा टॉपिक मुकम्मल हुआ वर्ड्स uh, में हमने एक दफ़ा मैं फिर आपको बता दूँ कि वर्ड्स में हमने क्या डिस्कस किया है जी सेलेक्ट पावरफुल वर्ड्स हमने जो डिस्कस किया है uh, वर्ड चॉइस की हमने बात करनी है क्योंकि तीन टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं वर्ड चॉइस सेंटेंसेस पैराग्राफ वर्ड चॉइस के बारे में हमने बात कर ली है इसमें हमने करेक्टनेस की बात की कि वर्ड्स करेक्ट होने चाहिए इफ़ेक्टिव वर्ड होने चाहिए एब्स्ट्रैक्ट और कंक्रीट में हमने कहा कि ज़्यादा हमारे कंक्रीट वर्ड्स जो हैं वो बेहतर रिजल्ट देते हैं तो ये हमने जी वर्ड्स का टॉपिक मुकम्मल किया अब हम मूव करते हैं सेंटेंसेस के टॉपिक की तरफ चूज़ द टाइप ऑफ सेंटेंस अब आपने क्या करना है कि जो सेंटेंस हैं वो आपने वराइटी ऑफ सेंटेंस यूज करनी होती है जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में वर्ड्स बहुत ज़्यादा हैं इसी तरह इंग्लिश लैंग्वेज में आपके पास वराइटी ऑफ सेंटेंसेज भी है सिंपल है कम्पाउंड है कॉम्प्लैक्स है और कंपाउंड कॉम्प्लैक्स सेंटेंस है चार तरह के सेंटेंसेज हैं इनमें से आपने ज़रूरत के मुताबिक इनको बड़ा मॉडरेट अंदाज में आपने इस्तेमाल करना है सारे सेंटेंसेस अगर आपके पैराग्राफ में सिंपल होंगे तो उसका इम्प्रेशन भी अच्छा ही नहीं है लेकिन अगर सारे आपके कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं तो वो रीडर के लिए अंडरस्टैंड करना मुश्किल हो जाता है तो जब हमने पैराग्राफ डेवलप करने हैं तो पैराग्राफ से पहले सेंटेंसेज होते हैं फिर सेंटेंसेज से पैराग्राफ बनते हैं सिमिट्री क्या है जी लेटर्स फिर वर्ड्स फिर सेंटेंस फिर पैराग्राफ तो अभी हम पैराग्राफ से पहले सेंटेंसज़ के ऊपर बात कर रहे हैं कि आपको जब आपने लिखना है तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पे मैं सिंपल सेंटेंस इस्तेमाल करूँ कहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस इस्तेमाल करूँ कहाँ पे कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करूँ और कहाँ पे कंपाउंड कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल करूँ सबसे पहले इससे पहले कि हम सिलेक्शन की बात करें सिलेक्शन का रूल बड़ा सिंपल है जी आपने ओवर यूज़ नहीं करना और किसी एक पे रिलय नहीं करना कोशिश करें कि आप एक बैलेंस मेंटेन रखें कि आप सिंपल सेंटेंस भी इस्तेमाल करें कंपाउंड भी इस्तेमाल करें कहीं पे कॉम्प्लेक्स भी और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी लेकिन इंटेंसिटी ये वो कहते हैं ना कि परसेंटेज कोशिश करें कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की परसेंटेज कम हो कॉम्प्लेक्स की उससे कम हो आ, आ, मतलब थोड़ी ज़्यादा हो फिर कंपाउंड सेंटेंस उससे ज़्यादा हो जाए सिंपल सेंटेंसेज सिंपल ज़्यादा होने चाहिए लेकिन सारे ही सिंपल अगर होंगे तो मोनाटनसली आपका वो राइटिंग हो जाएगी तो आपने चूज़ करना है जी कि कहाँ पे कौन सा सेंटेंस आप यूज़ करें चूज़ करने से पहले आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि सेंटेंसेस हैं किन टाइप्स के और कैसे कैसे आप चूज़ कर सकते हैं सिंपल सेंटेंस ये इंग्लिश वन में हमने इनको डिस्कस किया हुआ है इसलिए मैं बहुत ज़्यादा इस पर ज़ोर नहीं दूंगा सिंपल सेंटेंस होता है जी अ सिंपल सेंटेंस हैज़ वन मेन क्लॉज यानी इसमें एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है और जिसको हम क्लॉज कहते हैं जैसे आई लाइक क्रिकेट ये सिंपल सेंटेंस है तो इस तरह के सिंपल सेंटेंसेज आप इस्तेमाल कर सकते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है जी कि आप समझ लीजिए कि इसमें दो सिंपल सेंटेंस होते हैं सिंपल अल्फाज में कहें लेकिन इसको हम क्लॉज कहते हैं अ कंपाउंड सेंटेंस हैज़ टू इंडिपेंडेंट क्लाजेज़ जैसे आई लाइक क्रिकेट बट माई ब्रदर लाइक्स हॉकी अब माई ब्रदर लाइक्स हॉकी ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है और आई लाइक क्रिकेट ये भी इंडिपेंडेंट क्लॉज है इसको बट के ज़रिए ज्वाइन किया गया है और अगर बट बीच में से हम हटा देते हैं तो दोनों इंडिपेंडेंट सेंटेंस हो जाते हैं तो ये हमारा सेंटेंस क्या है कंपाउंड सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती हैं उनको ज्वाइन करके एक फिक्रा हम बना देते हैं अब इसमें क्या हुआ कि सेंटेंस एक हो गया सेंटेंस लॉन्ग हो गया अब जब वैरायटी मिक्स करेंगे तो वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है जी कि अभी हमने कंपाउंड पढ़ा दोनों को इंडिपेंडेंट हम कर सकते हैं लेकिन यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हैज़ वन डिपेंडेंट एंड वन आर मोर इंडिपेंडेंट क्लाजेज इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज एक जो है वो कम अज़ कम जो है वो हमारी डिपेंडेंट क्लॉज होगी इंडिपेंडेंट क्लाजेज एक भी हो सकती हैं एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं जैसे फिक्र है जी इफ़ ही इन्वाइट्स मी आई विल गो अब इसमें इस सेंटेंस की अगर पार्ट की हम बात करते हैं इफ़ ही इन्वाइट्स मी तो ये हमारा क्या है ये हमारा एक डिपेंडेंट क्लॉज है आई विल गो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है ये तो अलग से एग्जिस्ट कर सकता है कि आई विल गो लेकिन इफ़ ही इनवाइट्स मी इसको आप अलग से नहीं लिख सकते जब तक के इसके साथ ये हिस्सा या कोई इस तरह का वर्ड ना आए कम्प्लाउ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं कि जिस तरह इसमें देखिए आपका जो ये जो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लॉज है वो एक है इसको आप मेन क्लॉज कह सकते हैं ये एक है और आपके जो ये जो क्लॉज है वो एक है एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं लेकिन कॉम्पाउंड कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि टू मेन क्लॉजेस एंड एटलीस्ट वन डिपेंडेंट क्लॉज डिपेंडेंट क्लॉज एक होती है और जो मेन क्लॉजेस हैं वो दो होती हैं जैसे इस फिक्रे में देखिए ऑल दो एक मिनट जी मैं इसको Although you are a good player, you must admit that he played well. ab अब इसमें आप इन चीज़ों को देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास एक independent clause hai है और जो dependent clauses hain हैं या आप इसको समझिए जो main clauses हैं वो दो हैं ये हमने देखा जी चार हमारे पास सेंटेंसेज की टाइप्स हैं इनमें से हमने चूज करना है और वाइटी हर एक कोशिश करें कि मिक्सड वैंड मैच करें इन सेंटेंसेज uh, का तो ज़्यादा खूबसूरती आपके बिजनेस राइटिंग में आएगी उसके बाद है जी जब आप फ़िक्रे बना रहे हो सेंटेंसेस बना रहे हो तो आपने क्या करना है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर इस तरह होना चाहिए एम्फिसाइज द की थॉट्स कि जो की थॉट्स है आपकी कि जो आप समझ रहे हैं कि जिनके ऊपर ज़्यादा आपने फोकस करना है उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करना है उसको एम्फिसाइज़ करना चाहिए उसको ज़्यादा प्रोमिनेंट करने का तरीका है वो तरीका क्या है उन तरीक़ों पे बात करेंगे सबसे पहले देखते हैं दी एम्फिसाइज़ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ सेंटेंस बाय डिवोटिंग मोर वर्ड्स टू कि अगर आप किसी सेंटेंस के किसी हिस्से को ज्यादा प्रोमिनेंट करना चाहते हैं तो पहला तरीका क्या है कि ज्यादा अल्फाज उसके साथ एसोसिएट कर दे आर पुटिंग देम इन द बिगेनिंग या फिक्रे के शुरू में उसको ले आए आर एंड ऑफ एंड ऑफ द सेंटेंस तो तीन तरीके हमने इसी एक सेंटेंस में सीखे कि या तो उस लफ्ज के साथ ज्यादा अल्फाज आप एसोसिएट कर दें या उस लफ्ज को आप जो है वो फिक्रे के शुरू में ले आए या उसको बिल्कुल आखिर में ले आए यानी आप ये कह दें कि अगर शुरू में लाते हैं तो मेक देम सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस कि जिसको ज्यादा प्रोमिनेंट करना है उसको सब्जेक्ट बना दीजिए आगे हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं एम्फिसाइज की थाट्स अब हमने कहा क्या कहा द चेयरपर्सन कॉल्ड फॉर अ वोट ऑफ द शेयर होल्डर अब चेयर पर्सन को हमने सबसे पहले लिखा इसका मतलब है कि इंपॉर्टेंस किस पे है कि के पर्सन ने क्या किया शेयर होल्डर के वोट के लिए कॉल की मीटिंग कॉल की अब इसमें क्या है जी दूसरा तरीका क्या है कि अगर हम और ज्यादा इसको प्रोमिनेंट करना चाहते हैं चेयर पर्सन को तो हम कहेंगे हैविंग कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इन द कॉरपोरेट टेक ओवर बैटल द पर्सन कॉल्ड फॉर हैविंग कंसिडरेबल एक्सपीरियंस इन कारपोरेट टेक ओवर बैटल द चेयरपर्सन कॉल्ड फॉर अ वोट ऑफ द शेयर होल्डर अब देखिए चेयरपर्सन को एक्सप्लेन करने के लिए ये हमने वर्ड इस्तेमाल किए तो ये बेसिकली इसकी इम्पोर्टेंस के लिए है जैसे कुछ और एग्जाम्पल देखिए ये वर्ड है जी तीसरी जो टेक्निक इस्तेमाल हम कर रहे हैं कि वो इसमें देखिए लेस इम्फेटिक है वी आर कटिंग द प्राइस टू स्टिम्यूलेट डिमांड हम एक्चुअल में फो फोकस करना चाहते हैं जी कि डिमांड स्टिमुलेट करना चाह रहे हैं लेकिन हमने क्या किया कि इसको एंड पे ले गए हैं इसको पहले लाना चाहिए अगर हम इसको इस तरह कर लेते हैं कि टू तो स्टिमुलेट द डिमांड वी आर कटिंग द प्राइस अब इसमें क्या कि इसके ऊपर ज़्यादा फोकस आ गया तो ये मोर इम्फेटिक सेंटेंस है ये लेस इम्फेटिक सेंटेंस है तो ये हमें इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना है कि हमने क्या किया कैम्फिसाइज़ करने की टेक्निक्स पढ़ी एक तो ये है जी कि आप जिस वर्ड को ज़्यादा एम्फेसाइज़ करना चाहते हैं उसको आप सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल कर लें जिस हिस्से को ज़्यादा आप प्रोमिनेंट करना चाहते हैं उसके साथ मजीद वर्ड्स इस्तेमाल कर लें उसको एक्सप्लेन करने के लिए या उस फिक्रे को अगर दो फकरे हैं या दो हिस्से हैं तो आप उसको शुरू में ले आएंगे तो वो ज़्यादा एम्फ़ैटिक हो जाएगा ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा तो इस तरह से आप की थॉट्स को ज़्यादा एम्फेसाइज़ कर सकते हैं क्राफ्ट गुड पैराग्राफ एक अच्छा पैराग्राफ किस तरह से डेवलप कर सकते हैं इस टॉपिक का ओवरव्यू हम लेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसको बड़ी डिटेल से हमने डिस्कशन करनी है यूनिटी एंड कोहेरेंस यूनिटी और कोहेरेंस होनी चाहिए यूनिटी और कोहेरेंस का मतलब है कि जो जो सेंटेंसेस होंगे वो आपस में बिल्कुल ऐसे होने चाहिए कि उनको अलग ना किया जा सके यूनाइटेड होने चाहिए और उनका आपस में रब्त होना चाहिए कोहेरेंट्स का मतलब है रब्त होना चाहिए बड़ा नेचुरल रब्त होना चाहिए इसके ऊपर हम बात करेंगे और फिर सेंटेंसेस की हमने डिटेल डिस्कशन करनी है कि तीन तरह के सेंटेंसेस होते हैं टॉपिक सेंटेंस जो पैराग्राफ के शुरू में होता है ये पैराग्राफ को डिफ़ाइन करता है सपोर्टिंग सेंटेंस होते हैं जो उसकी डिटेल प्रोवाइड करते हैं और ट्रांजिशनल एलिमेंट्स होते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं कि जो एक फ़करे से जब आप दूसरे फ़करे पर जाते हैं तो वो ट्रांजिशन uh, के तौर पर इस्तेमाल होते हैं कंजंक्शन वर्ड्स भी इनको कहते हैं इनके ऊपर भी हमने डिटेल डिस्कशन करनी है लेकिन इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में हम इस पर बात करेंगे पैराग्राफ डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे जी एलिस्ट्रेशन क्लासिफिकेशन कॉज एंड इफ़ेक्ट्स प्रॉब्लम एंड सोलूशन कम्पेरिजन एंड कंट्रास्ट इस तरह के टेक्निक्स इस्तेमाल करके हमने पैराग्राफ डेवलप करने हैं ये इनशाला इस पर हमारी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन होगी और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है जिसमें स्टाइल शीट है टेम्पलेट्स इस्तेमाल करने स्मार्ट डॉक्यूमेंट्स मास्टर डॉक्यूमेंट ऑटो कम्पलिशन डॉक्यूमेंट ऑटो करेक्शन डॉक्यूमेंट एंड नोट फुट नोट इंडेक्सेज टी ओ सी मेल मर्ज ये टेक्नोलॉजी जस्ट हम इसके बारे में पढ़ेंगे इसको इस्तेमाल किस तरह से करना है ये आपके जो कंप्यूटर वाले टीचर हैं वो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे लेकिन इस इस टेक्नोलॉजी का आप अपनी राइटिंग में इस्तेमाल करके इस राइटिंग प्रोसेस को ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकते हैं तो ये है जी हमारा आज का लेक्चर जो जिसमें हमने कंपोजिंग द मैसेज को हमने डिस्कस किया और uh, इसमें हमारा जो पैराग्राफ वाला टॉपिक है इसको अभी डिटेल हमने डिस्कशन करनी है तो ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद इस पर बात करेंगे और इसको आप डिटेल से स्टडी कर लें इसमें जो भी क्वेश्चन हो इंशाल्लाह वी विल डिस्कस इन द जूम सेशन थैंक यू वेरी मच